ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ये आपका नॉर्टन्स थ्योरम फॉर एसी सर्किट्स। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम को भाई कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग अपने नॉर्टन्स थ्योरम को कवर करेंगे। और नॉर्टन्स थ्योरम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर मिलेगा भाई, जो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है। और आज के सेशन में हम लोग टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 3 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा नॉर्टन्स थ्योरम को पूरी तरीके से समझने के लिए। साथ ही साथ भाई हम लोग ये भी सीखेंगे, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा ना, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट्स। इक्विवेलेंट सर्किट्स का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपके पास मान लेते हैं ट्रांसफार्मर है, तो भाई रियल लाइफ में अगर आप ट्रांसफार्मर खोल के देखेंगे तो भाई उसमें क्या दिखेगा कि भाई आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। या फिर कहिए अगर आपके पास कोई मोटर है तो मोटर को अगर आप खोल के देखते भाई तो उसके अंदर क्या देखने को मिला, एक स्टेटर है, एक रोटर है, स्टेटर पे भी वाइंडिंग है, रोटर पे भी वाइंडिंग है ना। तो भाई इनको हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर की बात करें भाई, तो ट्रांसफार्मर हो गया, फिर डीसी मोटर हो गया, फिर ये सिंक्रोनस मोटर हो गया, फिर से अल्टरनेटर हो गया, है ना। सबका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कन्वर्ट करते हैं ना इस तरीके से। जैसे ट्रांसफार्मर की बात करें भाई, तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, है ना। ये हम लोग का प्राइमरी साइड का हो गया और इधर मान लेते हम लोग का सेकेंडरी साइड का हो गया। तो आज के सेशन में भाई हम लोग ये देखेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है, थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है भाई? थेवेनिन्स थ्योरम क्या बता रहा था आपको कि भाई कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग थेवेनिन्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका एक वोल्टेज सोर्स जो कि VTH होता है, उसके सीरीज में एक इम्पिडेंस जो कि ZTH होता है भाई, है ना, इसमें एक तरीके से कन्वर्ट कर देता है। तो भाई ये क्या हो गया, आपका थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो अगर आपके पास थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिया हुआ है तो भाई इसको हम लोग नॉर्टन्स के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉर्टन्स क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में अगर आप नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या करता है भाई कि आपको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। और करंट सोर्स है भाई तो सीधी सी बात, इसके पैरेलल में एक इंपेडेंस लग जाता है जिसको हम लोग ZN बोलते हैं। और यहाँ पे जो करंट होता है उसको हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलते हैं भाई, IN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया भाई। तो अगर आपने DC नेटवर्क में नॉर्टन्स या फिर कहीं थेवेनिन्स थ्योरम में सब पढ़ा होगा भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे लास्ट वाले सेशन में आपको बताया था कि भाई थ्योरम का क्या काम है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना। तो भाई थेवेनिन्स में तो हम लोग देख लिया कि थेवेनिन्स किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में अप्लाई करेंगे तो भाई ये कुछ इस तरीके का हम लोग को सिंपल नेटवर्क कन्वर्ट करके देता है, जिसको हम लोग यहाँ पे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोल रहे हैं। वही अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है भाई, या फिर कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स है, उसमें अगर आप नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो है आपका एक करंट सोर्स जो कि IN के बराबर होगा और इसके पैरेलल में एक ZN जो कि भाई नॉर्टन्स इंपेडेंस के बराबर होता है। यानी एक सिंपल कहिए कि भाई ये करंट सोर्स में कन्वर्ट करके दे देता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सोर्स है भाई मेरा, क्योंकि करंट सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, आपका जो इंटरनल, जैसे अगर हम लोग भाई DC की बात करें तो DC में, यानी DC नेटवर्क में भाई मान लेते हैं आपको करंट सोर्स दिखाना, तो करंट सोर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं भाई, इस तरीके से दिखाते हैं ना, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल में दिखाना पड़ता है हम लोग को, क्लियर हुआ। और भाई वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स में हम लोग को पता है भाई कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स है, ये मेरा एक करंट सोर्स है। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके दे देता है आपके कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को, और एक नॉर्टन्स की बात करें तो ये आपका करंट सोर्स में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे भाई। तो अभी हम लोग पहले नॉर्टन्स को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्टन्स में भाई हम लोग को दो चीज़ कैलकुलेट करना होता है, एक नॉर्टन्स करंट और एक आपका नॉर्टन्स इम्पिडेंस। तो जिस तरीके से हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर ZTH फाइंड आउट करना सीखा था, ZTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे भाई कि जो आपका लोड था उसको पहले आप रिमूव कीजिए, उसके बाद जो आपके एक्टिव सोर्सेस है भाई, फिर चाहे आपका करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, डेड कर रहे थे। डेड करने का मतलब क्या कि भाई इसको आप ओपन कर दीजिए और इसको हम लोग शॉर्ट कर दे रहे थे, सही बात है। तो सेम स्टेप भाई हम लोग यहाँ पे ZN को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी जिस तरीके से आपने ZTH सीखा है कैलकुलेट करना, सेम स्टेप भाई आपका ZN के लिए भी होता है। तो ZN के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नया नहीं सीखना है।
हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई ये आई एन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके लिए हम लोग को सीखना है, ओके, जिसको हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे आते पहले, ठीक है, देखिए भाई ये क्या कहता है थ्योरम कि भाई अगर आपके पास, कोई नहीं इसको मैं समझता अपने हिसाब से, अगर आपके पास कोई एसी नेटवर्क है भाई, ओके, और ये मान लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड कहना मतलब क्या, इसमें बहुत सारे भाई सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो टर्मिनल निकल रहा है, एक ए और एक बी, तो इसके अंदर किस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो सकता है भाई, कुछ इस तरीके का दिखा देते हैं भाई। ओके इसमें और भी ब्रांचेस दिखा देते हैं, तो इस तरीके का आप समझिए भाई कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है इस बॉक्स के अंदर, ओके, और इस बॉक्स से सिर्फ और सिर्फ दो टर्मिनल आपको बाहर देखने को मिल रहा है, एक ए है और एक बी है। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो इस नेटवर्क पे अगर आप नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये थ्योरम क्या करता है, इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सीधे सीधे क्या कर देगा, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देता भाई। तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा वो आई एन के बराबर होगा और जो इसका इम्पिडेंस होगा भाई वो जेड एन के बराबर होगा, ठीक है, और ये जो आपका टर्मिनल था ए और बी वैसे का वैसे ही रहता, ए और ये बी, क्लियर हुआ। तो भाई ये सीधे सीधे इसका मतलब है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, यही चीज़ आपका दिया होगा नहीं, ये मेरा नॉर्टन्स करंट हो गया और ये मेरा नॉर्टन्स इम्पिडेंस हो गया और ये दोनों आपस में पैरेलल लगे, इसका मतलब क्या, ये दोनों एक करंट सोर्स है भाई और यहाँ पे फिर हम लोग लास्ट में अपने लोड को कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट्स, जहाँ पे आई एन मेरा नॉर्टन्स करंट होता है, जेड एन मेरा नॉर्टन्स इम्पिडेंस होता है। अब हम लोग आते हैं भाई कि इसका क्या मतलब है, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, तो समझिए भाई उसको हम लोग पहले अपने हिसाब समझते हैं फिर बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। जैसे भाई मान लेते हैं मेरे पास एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिया हुआ है या फिर कहीं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क दिया हुआ भाई, ओके, तो क्योंकि भाई ये अपने आप में एक वोल्टेज सोर्स है ना, समझ में आया, तो थोड़ा सा ऐसे बॉक्स में हम लोग बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। तो भाई अपने आप में क्या, ये वोल्टेज सोर्स है, तो सीधी सी बात है आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि भाई वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो करंट सोर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि भाई सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, करंट इक्वल टू क्या होता है भाई, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन जेड, है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो भाई डिवाइड करते भाई मेरे को करंट मिला, तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी अगर आपके पास थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट दिया हो तो भाई इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका ये आई एन बन जाएगा, आई एन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वी टी एच डिवाइडेड बाय जेड टी एच, और ये जो आपका इम्पिडेंस है जेड टी एच ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल में आ जाएगा, मतलब वोल्टेज सोर्स दिया भाई इसको सीधे सीधे क्या करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देना भाई, इसको जेड एन बोलते हैं, फिर ये जेड टी एच के बराबर होगा, कोई दिक्कत। और इसको फिर से हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं भाई इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, और यहाँ पे हम लोग फिर लोड लगा देंगे ए और बी, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं भाई कि आपके पास एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिया भाई, तो इसका क्या करेंगे, करंट सोर्स है अपने में, तो इसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, समझ में आया। तो अगर मान लेते भाई मेरे पास इस तरीके का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिया, तो इससे मेरे को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना, तो सबसे पहले हम लोग को पता है थेवेनिन्स मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स है ना भाई, तो यहाँ पे हम लोग का वीटीएच होगा, तो वीटीएच कितने के बराबर होगा बताइए, वोल्टेज क्या हो जाएगा आई एन, है ना भाई, वी इक्वल टू क्या होता है, आई एन टू जेड होता है ना, तो करंट की जगह क्या हो जाएगा आई एन इंटू जेड एन, सही बात है। तो ये बन जाएगा मेरा वी टी एच, और ये जो जेड एन होगा ये जेड टी एच के बराबर होगा, तो जेड एन लिखे फिर जेड टी एच बराबर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ये बन गया हम लोग का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं भाई, नॉर्टन्स पता है तो थेवेनिन्स बना सकते, थेवेनिन्स पता है भाई नॉर्टन्स बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यही चीज यहाँ पे किया गया है ना आपके बुक में, यही चीज़ किया हो गया, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है भाई, इसको हम लोग नॉर्टन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ओके तो वी टी एच क्या हो जाएगा, जैसे वी टी एच क्या हो जाएगा भाई, वी इक्वल टू आई इन टू जेड, तो आई की जगह हम लोग आई एन इंटू जेड एन हो जाएगा, है ना, तो वी टी एच बन जाएगा। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया भाई, ठीक है ना। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, यानी यहाँ से हम लोग का नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे आपको नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करना है और आपको करंट बताना भाई, कहाँ का करंट बताना है इसमें, 3+j2 है ना, यही वाला, यानी लोड है मेरा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं करंट ही सिर्फ फाइंड आउट करना हम लोग को। तो ये तो मेरा लोड हो गया भाई। तो नॉर्टन्स थ्योरम में भी जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, लोड को एक तरीके से आप क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, ठीक है, इसको रिमूव करना है। स्टेप वन करते हैं हम लोग, स्टेप वन रिमूव द लोड, और ये हम लोग मान लेते भाई पहले जेड एन फाइंड आउट करने के लिए, और जस्ट बताए भाई जेड एन जो है जेड टी एच के बराबर होता है ना, यानी जो स्टेप हम लोगों ने थेवेनिन्स इंपेडेंस फाइंड आउट करने के लिए किया था, वही सेम प्रोसेस भाई यहाँ पे हम लोग जेड एन को भी कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तो भाई इसका मैं स्टेप बताऊँ, तो पहला स्टेप क्या है भाई, लोड को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, यानी ओपन हो जाएगा, और जो एक्टिव सोर्सेज को डेड कर दीजिए, है ना, यानी या फिर आप कह सकते हैं रिमूव, रिमूव मतलब ये, मतलब ये डेड करना भाई, ठीक है, एक्टिव सोर्सेस। तो यहाँ पे नेटवर्क क्या बन जाएगा भाई, ये 2 ओम था, ये तो मेरा ओपन हो गया एक तरीके से, है ना, इधर क्या है 4 ओम है, ये मेरा वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा, और अगेन ये वाला वोल्टेज भी शॉर्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके बना है, इसमें मान लेते ए है बी, तो इस तरीके से हम लोग को देखना भाई, यहाँ से देखना होता है, ठीक है, इसके क्रॉस से देखना पड़ता है हम लोग को। तो सीधी सी बात है, ये 2 ओम है और ये आपका 4 ओम है, तो भाई यहाँ से जो करंट बहेगा तो ये 2 पार्ट में टूट जाए, 2 और 4 क्या है पैरेलल में है, तो अगर हम जेड एन की बात करें तो क्या हो जाए आपका 2 × 4 / 2+4, तो ऊपर में 8 नीचे में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई जो भी वैल्यू आएगा, देखिए आ गया ना, यही किया गया 4 × 8 / 2+4 = 6, इतना आ गया 1.3 ओम। तो जेड एन के लिए भाई आपको सोचना नहीं है। अब हम लोग आते हैं भाई आई एन कैसे कैलकुलेट करें, यानी नॉर्टन्स करंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए देखिए पहला स्टेप है कि भाई रिमूव द लोड, लोड को रिमूव कर देना है, और इस बार हम लोग जेड मतलब थेवेनिन्स में क्या करते थे भाई, रिमूव लोड को रिमूव करने के बाद ओपन ही रहने देते थे, है ना, लेकिन इस बार क्या करना भाई, लोड को रिमूव करने के बाद यानी जहाँ से आप रिमूव करेंगे उसके बाद उसको शॉर्ट कर देना भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने रिमूव किया तो भाई इस पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, देखना शॉर्टेड कर दिया गया यहाँ पे, क्लियर हुआ, और जो वोल्टेज सोर्स है वैसे का वैसे ही लगा रहेगा। अब देखिए भाई, अब हम लोग को पता है कि जो शॉर्टेड पाथ से जो भी करंट बहेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट बोला जाता है भाई। अब थेवेनिन्स के साथ चेन बनाने की कोशिश की, थेवेनिन्स में क्या था कि भाई जहां से हम लोग लोड को रिमूव करते थे तो उस ओपन टर्मिनल, क्योंकि वहां पे तो ओपन सर्किट रहता था ना भाई, तो उस ओपन सर्किट या फिर ओपन टर्मिनल के पास जो भी वोल्टेज होता था वो मेरा थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई हम लोगों ने लोड को रिमूव किया, फिर इस पाथ को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, तो भाई शॉर्टेड पाथ से जो भी करंट बहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स करंट बोलेंगे भाई, क्लियर हुआ। तो भाई ये मेरा नेटवर्क बन गया, मुझे करंट बताना इधर से कितना जाएगा इधर से, तो क्योंकि 2-2 वोल्टेज सोर्स है भाई, तो एक बार इधर जाएगा कुछ करंट और एक बार इधर से, तो क्यों ना इस पे हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दें, है ना, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं भाई। तो सुपर पोजिशन थ्योरम में एक बार में एक सोर्स को लेके चलते हैं, तो भाई इसको मान लेते लेके चल रहे, तो भाई ये मेरा डेड हो जाएगा, नहीं शॉर्टेड हो जाएगा, ये सही बात है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया भाई। डेड करने का मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब शॉर्ट कर देना भाई, क्लियर हुआ। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो भाई ये कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनेगा, ये हो गया शॉर्ट और एक शॉर्टेड पाथ ऑलरेडी है। तो भाई देखिए क्योंकि मेरा यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है 20∠0 वोल्ट, तो यहाँ से जो करंट बहेगा, अब समझ लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से करंट मेरा I1 बह रहा भाई, तो I1 क्या होगा, यहीं से इस पॉइंट पर आते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लो इम्पिडेंस पाथ मिला हुआ है ना इसको, तो यहीं से ही क्या हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा बाईपास हो जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, यानी ये जो 4 ओम है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं भाई, ठीक है, इधर कोई करंट आएगा नहीं, यानी ये वाला जो ब्रांच है ये इनइफेक्टिव रह जाएगा, समझ भाई, सारा का सारा करंट यहीं से, यानी मेरा सिर्फ और सिर्फ यही सर्किट काम कर रहा है भाई। तो हम लोग को पता है भाई, इसको मिटा देता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि ये तो काम कर ही नहीं रहा, इधर कोई करंट जाएगा नहीं भाई, क्योंकि शॉर्टेड पाथ मिल गया, तो उधर ओपन है, करंट इधर 0 है एक तरीके से, कोई करंट आई नहीं रहा, समझते, करंट 0 मतलब क्या, कहीं पे भी करंट 0 होता है तो भाई उसको हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं, सीधी सी बात, इसलिए मैंने ओपन दिखा दिया तरीके से, या फिर ये करंट इधर 0 समझते क्या, रेजिस्टेंस मेरा इन्फिनाइट है, रेजिस्टेंस या फिर इंपेडेंस मेरा इन्फिनाइट है, समझे भाई। तो सारा का सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा, यही मेरा नेटवर्क बनेगा, तो भाई करंट निकाल लेते, इसमें कितना करंट बहेगा, I1 क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज, यानी 20 / जो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 एम्पीयर, ठीक है।
तो भाई इस वाले सोर्स के कारण इधर जो करंट आ रहा है ये 10 एम्पियर है। करंट का डायरेक्शन भी दिखा देते भाई, डाउनवर्ड है। अब आते हैं सेकंड केस में, यानी इस बार जो है हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, इसको डेड करेंगे और इस वाले सोर्स को लेके चलेंगे। तो भाई इसके लिए देखिए नेटवर्क कैसा बनेगा। इधर तो भाई मेरा शॉर्ट हो गया, ये 2 ओम है, ये मेरा शॉर्टेड पाथ है, यहाँ पे हम लोग का 4 ओम लगा हुआ है और यहाँ पे भाई हम लोग का 10 वोल्ट लगा हुआ है। तो इस बार अगेन देखिए कि भाई इधर से जितना करंट जाएगा सारा का यहीं से बाईपास हो जाएगा, यहीं से, क्योंकि लो इम्पिडेंस पाथ मिला हुआ है ना। आगे तो भाई रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 2 ओम, तो उधर थोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या, अगेन ये मेरा ओपन हो जाएगा इस बार, क्योंकि इधर मेरा करंट 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क बनेगा भाई। तो इसमें करंट मान लेते हैं जैसे मेरा I2 आ रहा है, तो I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 10 डिवाइडेड बाय 4, है ना भाई। तो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, 5/2, और 5/2 क्या मतलब 2.5, यानी I2 आ जाएगा मेरा 2.5 एम्पियर और उसका करंट का डायरेक्शन अगेन डाउनवर्ड हो जाएगा। तो देखिए ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है भाई। इसका मतलब क्या, दोनों जोड़ देंगे, टोटल करंट यहाँ शॉर्टेड पास से कितना जाएगा, तो 10+2.5 यानी कितना हो जाएगा 12.5 एम्पियर, 12.5 एम्पियर जो है मेरा यहाँ से करंट बहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स करंट बोलेंगे भाई। तो अब देखिए आया ना यहाँ पे, यही है मेरा नॉर्टन्स करंट, IN इक्वल टू क्या हो जाए, I1+I2। तो भाई हम लोगों ने ZTH भी फाइंड आउट कर लिया, यानी ZN भी फाइंड आउट कर लिया और IN भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इसका इक्वलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है बस। यानी ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिख रहा था भाई हम लोग को, अभी क्या हो जाएगा, एक करंट सोर्स कितने के बराबर, 12.5 एम्पियर के बराबर, ओके। और यहाँ पे एक पैरेलल में ZN आ जाएगा, ZN का वैल्यू कितना आया था 1.3 ओम, और लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोड को कनेक्ट करेंगे, कितने के बराबर है भाई, 3 ओम, और ये हो जाएगा J2 ओम। तो ये मेरा फाइनल नेटवर्क बनेगा भाई। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द करंट, यानी लोड के थ्रू करंट बताना भाई, इसमें कितना करंट बह रहा है ये आपको बताना है। तो भाई क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई 2 ब्रांचेस, एक ये एक ये, और इधर से टोटल करंट हम लोग पता है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इधर कितना जाए, तो करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं भाई। तो इधर मान लेते हैं लोड करंट है, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट यानी 12.5 एम्पियर गुना इधर का निकाला, तो इधर वाला इंपिडेंस लेके चलते हैं, यानी 1.3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इंपिडेंस कितना हो जाएगा, 1.3 + 3 + J2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो भाई आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बस सॉल्व करना है, तो बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए यही चीज है ना, 12.5 × बगल वाला इम्पिडेंस, क्योंकि उधर का करंट चाहिए तो इधर वाला लिखेंगे, और डिवाइडेड सम ऑफ ऑल इम्पिडेंस यानी सबका सम। तो सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, आगे इतना यह 3.43 ∠ −24.98, ठीक है। अब आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नॉर्टन्स इक्वलेंट सर्किट। कहीं पे भी लिखा भाई नॉर्टन्स इक्वलेंट सर्किट, यानी आपको भाई कुछ इस तरीके, जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस तरीके के फॉर्मेट में, यानी एक करंट सोर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना भाई, क्योंकि यही फॉर्मेट क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्वलेंट, ठीक है। यानी IN हम लोग को फाइंड आउट करना है पहले, और ZN फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग देखना है कि भाई लोड किसको माना गया है। बोलता फाइंड द नॉर्टन्स इक्वलेंट सर्किट लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल AB। अच्छा यहाँ पे देखिए भाई, ये A है और ये B है, तो भाई इस AB टर्मिनल के लेफ्ट साइड में बोल रहा है ना, यानी इधर, यानी इसका एक तरीके से निकालना हम लोग को। इसका मतलब क्या, इधर वाला जो पोर्शन है क्या हो जाएगा, लोड कहलाएगा भाई, ये मेरा पूरा का पूरा लोड कहलाएगा, समझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं, और लोड को रिमूव करके सबसे पहले ZN फाइंड आउट करते हैं भाई। देख ZN के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से लोड को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, लोड को रिमूव कर देना है। देख यहाँ पे सर्किट बना, ऊपर वाला तो ओपन हो जाएगा भाई, इधर से बनाते, इधर बनाते भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, -J3 किलो, उसके बाद ये तो शॉर्ट हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो गया वोल्टेज सोर्स, फिर यहाँ पे आपका एक 5 किलो ओम का रिएक्टेंस लगा हुआ है, ये ऊपर वाला ओपन हो जाएगा क्योंकि करंट सोर्स को डेड करने के लिए ओपन करना पड़ता है हम लोग को, ओके। बाकी इधर आपका और ये तो लोड को हम लोग ओपन ही रखेंगे ना, ठीक है भाई, ये लोड है एक तरीके से,
इतना लोड है भाई, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो सिर्फ यही तो बचेगा आपका। क्लियर हुआ? ये मेरा टर्मिनल ए है और ये मेरा बी है, तो भाई मुझे यहाँ से देखना है। तो आप समझिए कि भाई ऊपर में तो कोई करंट जाएगा नहीं, इसको हटा ही देते यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ है, शॉर्टेड पाथ मतलब क्या, इधर से जो भी करंट जाएगा भाई, मान लेते आई एम्पियर जा रहा है, तो सारा का सारा करंट क्या होगा, यहीं से बाईपास हो जाएगा, समझे? यानी इधर आएगा ही नहीं, इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से ओपन रह जाएगा भाई, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क बनेगा भाई, यानी जेड एन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, जे 5 किलो ओम प्लस यहाँ पे जो भी है 12 किलो ओम है ना, 12 किलो ओम, इसको आपको सॉल्व करना भाई। तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट, तो भाई सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लेंगे। तो जेड एन देखिए सीरीज में आ गया ना दोनों, उसको सॉल्व कर लेना, इतने के बराबर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो किलो ओम ये भी है, किलो ओम ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन करने का मतलब नहीं भाई, समझे? तो सीधे सीधे क्या कीजिए आप, के को दिमाग में रख लीजिए भाई, किलो ओम में है बस आपका, यहाँ पे 12 प्लस जे 5 कर लीजिए, तो उसका मैग्नीट्यूड करें कितना हो जाएगा, रूट ओवर 144 प्लस 25, कैल्सियम में डालिए, इतने के बराबर आएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर आ रहा है, ये 549, ठीक है, 4 2 6, बिल्कुल सही है, 13 का हो जाएगा 169। ओके इसका रूट इतना एंगल आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय ये है ना 20 ये है ना भाई 5 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इतने एंगल के बराबर हो। तो जेड एन के लिए भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नॉर्टन्स करंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो नॉर्टन्स के लिए क्या होगा, सबसे पहले लोड को आप हटा दीजिए, लोड को हटाने के बाद जिसको आपने हटाया भाई इसको शॉर्ट करना हम लोग को, एक मिनट, ठीक है? ये तो जेड एन का हो गया भाई, जेड एन के लिए हो गया एक तरीके से। अब आते हैं आई एन के लिए, फाइंडिंग आई एन। तो आई एन के लिए देखिए यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ये लोड हटा देंगे तो भाई ये यहाँ से हट जाएगा, लेकिन ये जो टर्मिनल है भाई ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, समझ में आया? ये तो हट गया ना, इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ये नहीं रहेगा, तो ये मेरा बस सर्किट रहेगा भाई, यहाँ पे जितने भी सोर्सेस लगेगा, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, सब रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम, तो यही तो किया गया है, इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, ये करंट सोर्स है, एक मिनट भाई एक मिनट, ओके यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई किया गया है। तो देखिए समझा रहा हूँ मैं, सर्किट मेरा ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट करने के लिए। और नॉर्टन्स करंट में तो क्या, जो शॉर्टेड पाथ है यहाँ से जो भी करंट बहेगा उसको हम लोग नॉर्टन्स करंट बोल रहे हैं। तो भाई क्योंकि इसमें दो दो सोर्स लगे कि ये एक ये, तो भाई हम लोग यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ लिखा है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, वोल्टेज सोर्स, यानी इसको लेके चल रहे हैं, तो भाई ये ओपन हो जाएगा, ऊपर वाला ओपन हो जाएगा करंट सोर्स, तो यहाँ पे नेटवर्क कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, ये मेरा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ रहेगा, ये तो मेरा ओपन हो गया भाई, ऊपर में करंट सोर्स ओपन कर दिया हम लोगों ने, और ये मेरा शॉर्टेड पाथ रहेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या, एक ये और एक ये और एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना? टोटल 4 एलिमेंट्स रहेंगे। तो वही देखें यहाँ पे करंट सोर्स को भाई हम लोगों ने ओपन रखा है, एक ये एलिमेंट, ये है ना? तो इस वोल्टेज सोर्स कारण हम लोग यहाँ पे करंट निकाल रहे हैं पहले, कि भाई कितना करंट आएगा। तो हम लोग को पता है भाई, इस नेटवर्क को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा सकता हूँ, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, ऐसे बना सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, ये पूरा का पूरा ब्रांच क्या है एक तरीके से भाई मेरे, अब ध्यान से देखिए ना, ये जो वोल्टेज है इसके पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है? ये वोल्टेज इसके पैरेलल लगा हुआ है, और ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इसके क्रॉस भी तो ये पैरेलल में ही है, समझे बात को? ऐसे पैरेलल तो भाई, इसका मतलब क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल वोल्टेज होगा कितने के बराबर, जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, समझ में आया? इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो भाई यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक, ठीक है? पूरा का पूरा वोल्टेज आ जाएगा ना 26 एंगल 90,
तो भाई टोटल वोल्टेज पता है इसके क्रॉस और टोटल इम्पिडेंस पता है, तो भाई करंट नहीं आ जाएगा इस वाले ब्रांच में कितना आ रहा है सो, है ना। इधर का करंट मुझे चाहिए भाई, कितना करंट आएगा, तो जो वोल्टेज हमको पता है और जो इम्पिडेंस दोनों जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग भाई आई वन का जो वैल्यू होगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने आई वन बोला है। अभी क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 26 एंगल 90 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इम्पिडेंस। तो भाई इधर का इम्पिडेंस कितना है, जे 5 किलो ओम प्लस 12 किलो ओम। ठीक है, तो किलो लेना मतलब दोनों किलो में ही है, तो उसको बस सॉल्व कर लीजिए आप। तो एक ही है ना, आई वन के लिए यहाँ पे देखिए भाई, आई वन के लिए इधर किया गया है आपका 26 डिवाइडेड बाय ये आपका इम्पिडेंस का सम, सॉल्व कर लेंगे इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मिली में कैसे आ गया भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे आया सो, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्वर्जन करना भी नहीं आता होगा। आई वन इक्वल टू कितना है 26 एंगल 90, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 144 और 25 कितना हो जाए, नहीं अगेन आपका भाई इसका हम लोगों ने वैल्यू सॉल्व किया था ना पहले, इसका वैल्यू हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया हुआ था, जे 12 प्लस है ना, ये ना 12 किलोमीटर इतने के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 13 एंगल 22.62 और ये किलो ओम में, ठीक है, और ऊपर वाला तो वोल्ट में भाई। तो हम लोग को पता है किलो को अगर ऊपर भेजेंगे, ध्यान समझिए, किलो का मतलब क्या 1000 भाई, तो उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कहिए 10^3 है तो उसको ऊपर भेजें तो भाई क्या हो जाएगा बताइए, 10^-3 चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 10^-3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई इसका वैल्यू आ जाएगा एक्यूरेट 2 समथिंग जो आया था। ठीक ना, तो ये वही भाई, किलो को ऊपर लेके जाए तो मिली बन जाता है। ओके, तो यही आपका यहाँ पे मिली में निकाला गया एक तरीके से। इसको आप सॉल्व करेंगे 26/13 तो 2 आ जाएगा, और इस एंगल 90 - 22.62 करेंगे तो भाई इतना आ जाएगा, और ये नीचे में किलो था ऊपर जाए तो मिली बन जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने आई वन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग सेकेंड केस में क्या करेंगे कि भाई अब हम लोग वोल्टेज सोर्स को डेड करेंगे, यानी ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है भाई इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस बार डेड करना मतलब शॉर्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, और इस बार मेरा करंट सोर्स रहेगा भाई। तो इसके लिए नेटवर्क देखिए कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो था उसको शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने, करंट सोर्स मेरा एक तरीके से। तो भाई यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे यहाँ से करंट चला भाई, तो मान लेते आई करंट चला, तो इस पार्ट इस पॉइंट पर दो पार्ट टूटेगा, मान लेते इधर आपका आई टू आ गया, और कुछ करंट यहाँ जाएगा मान लेते I3 फिर I1 मान लेते हैं। तो भाई ये I2 देखिए, I2 जो है इधर आके ऐसे आकर के यहीं से मुड़ जाएगा, पूरा का पूरा करंट यहीं से, क्योंकि आगे इम्पिडेंस है ना, यहाँ पे लो इम्पिडेंस पाथ मिल चुका है, यानी I2 का जो पाथ बनेगा ऐसा बनेगा भाई, समझे। और ये जो I1 आ रहा है, तो I1 भाई सीधी सी बात है जितना इनकमिंग करंट है उतना ही मतलब जितना इधर से निकला उतना ही जाना चाहिए, तो भाई इधर से आपका इस पॉइंट में मिल जाएगा, इधर से आपका आ रहा है I2 और इधर आएगा I1, तो I1 प्लस I2 मिलेगा तो सीधी सी बात I बन जाएगा। इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से ओपन रह जाएगा भाई, इधर कोई भी करंट नहीं बहेगा। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में रखें, आप ऐसे समझिए भाई, देखिए इसको मैं सिंपल तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ये करंट सोर्स हो गया। ओके, तो करंट के एक पैरेलल में इम्पिडेंस हो गया जे 5 किलो, और ये वाला ब्रांच भी आपका पैरेलल में है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ये नेटवर्क बना हुआ है, तो दोनों आपस में पैरेलल में है। ध्यान से देखिए ना, पैरेलल का मतलब क्या है, इसका एंडिंग, इसका एक एंड और इसका एक एंड है ना, शॉर्टेड मतलब क्या, सेम पोटेंशियल इसका जुड़ा हुआ है, इसका भी एक एंड और इसका भी एक एंड, ये शॉर्टेड है, इसका मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है, समझे, इसका मतलब क्या, दोनों पैरेलल में भाई। तो पैरेलल में हम लोग पता है कि भाई मुझे इधर का करंट चाहिए, क्योंकि यही शॉर्टेड पाथ है ना, I2 चाहिए मेरे को, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना है 4 × इधर का चाहिए करंट, तो उधर वाला इंपिडेंस लेते हैं, यानी जे 5 किलो डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंपिडेंस, यानी 12 किलो प्लस जे 5 किलो। फिर हुआ तो 4×5 = 20, यानी जे 20 किलो हो जाएगा, और नीचे में अभी जस्ट हम लोग देखा था भाई इसका वैल्यू कितना आया था 13, और एंगल था आपका 22.62, और ये जे है इसका मतलब क्या, इसको आप क्या कह सकते भाई, एंगल 90, ये हो जाएगा आपका 20 एंगल 90, और नीचे हो जाएगा 13 एंगल 22.62, ये भी ऊपर में किलो ओम था, ये भी आपका किलो ओम है, तो किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही चीज किया ना यहाँ पे, देखे ओके, ये मिली एम्पियर में दिया भाई, ये ध्यान देना आपको,
वेट वेट, एक एक किलो में मिली एम्पियर है ना, तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं ऊपर में क्या हो जाएगा, 4/मिली मतलब क्या 10 1000, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका J5 5 किलो मतलब 1000, ठीक है। तो उसको काट देते पहले, ठीक है ना। तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ यूनिट लेस क्वान्टिटी बचेगा भाई, ठीक है। उसको समझा रहा हूँ मैं, हो जाएगा 4 मतलब टोटल करंट 4 mA इंटू बगल वाला इम्पिडेंस यानी J5 किलो डिवाइडेड बाय सम ऑफ, तो 12 kΩ प्लस J5 किलो। उसको सॉल्व कर लीजिए, ये मिली और किलो कट जाता है भाई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मिली का मतलब क्या 4/1000, किलो का मतलब क्या 5 × J5 × 1000, समझे। नीचे में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 13 ∠22.62, और ये किस में रहेगा, किलो में रहेगा। तो इसको देखिए कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा J20, और ये किलो को ऊपर भेजेंगे तो भाई किस में आ जाएगा 10^-3, समझे। और ये बच जाएगा आपका 13 22.62, और J का मतलब क्या भाई एंगल 90 है ना, J का मतलब हो जाएगा यानी 20 ∠90, और इसको मिली बना लेते भाई मिली एम्पियर, ठीक है, जो भी कटने का बताएगा। क्लियर हुआ? तो इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो ये आ जाएगा आपका 1.54 ∠ हो जाएगा इतना एम्पियर मिली एम्पियर में। अब क्योंकि भाई दोनों में देखिए करंट जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों के चलते तो भाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का ऐड कर देंगे भाई आगे इतना, ठीक है। ठीक है, आगे मेरा नॉर्टन्स करंट। तो भाई हम लोगों ने ZN भी कैलकुलेट कर लिया और नॉर्टन्स करंट भी कैलकुलेट कर लिया, तो भाई अब हम लोग उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना जो कि इतने के बराबर होगा, ठीक है। ये नॉर्टन्स करंट हो गया, अभी जस्ट कैलकुलेट किया, और ये मेरा ZN हो गया भाई। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, आपको यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट भी एक तरीके से बनाना है, लिखा है ना, ऑल्सो फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। तो भाई सीधी सी बात है, ये अपने आप में करंट सोर्स है ना भाई, तो उसको वोल्टेज सोर्स में बस कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज मतलब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में VTH क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, V इक्वल टू क्या होता है I into Z, तो I की जगह हो जाएगा IN और Z की जगह हो जाएगा ZN, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा इतने के बराबर आ जाएगा। और ये वोल्टेज सोर्स है तो भाई ये इंपीडेंस क्या हो जाता है यहाँ पे सीरीज में आ जाता है। तो भाई ये मेरा क्या बन गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और ये मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर हुआ? तो ये भाई VTH ZTH के लिए, तो ZN इक्वल टू ZTH के बराबर होता है, इतने के बराबर ही रहेगा, और VTH क्या हो जाएगा IN into ZN हो जाएगा। अब आते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्टन्स थ्योरम आपको यूज करना है, फाइंड द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर सप्लाई टू जेड। ओके, जेड मतलब क्या, ये वाला इंपीडेंस भाई। ओके, यानी ये मेरा एक तरीके से क्या है, लोड है भाई। तो सबसे पहले हम लोग जेड एन कैलकुलेट करते हैं भाई, तो जेड एन के लिए क्या हो जाएगा सर्किट, ये मेरा ओपन हो जाएगा। ओके, और ये वोल्टेज सोर्स इधर शॉर्ट हो जाएगा भाई, ये मेरा ओपन हो गया, और ये हो जाएगा मेरा एक तरीके से ओपन। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन करेंगे भाई, ये है मेरा 3 ओम और ये है इधर मेरा 5 ओम। तो यहाँ से मेरे को देखना, क्योंकि यही मेरा ए है बी है लोड, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे भाई, तो सीधी सी बात है, एक इधर करंट जाएगा इधर करंट जाएगा ना, यानी दोनों पैरेलल में है। तो जेड एन क्या हो जाएगा, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3+ यानी 8 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, 15 / 8 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया गया होगा, देखिए जेड एन का वैल्यू आया ना 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15/8 करेंगे भाई, इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो जेड एन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जेड एन कैलकुलेट कर लिया भाई। अब आते हैं आई एन के लिए, और आपके बुक में क्या किया गया ना, बुक में भाई सॉल्व करने के लिए ये जो आपका करंट सोर्स है इसको इसने क्या किया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई देखिए, इसको अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो भाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा I into R, करंट कितना है यहाँ पे 5, R कितना भाई 5, कितना हो जाएगा 25 आ गया ना, 25 वोल्ट, और ये जो इंटरनल इम्पिडेंस है इसके सीरीज में आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो भाई कोई ज़रूरी नहीं भाई आप इस तरीके से कीजिए, हम लोग इसको बिना मॉडिफाई किए भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोगों ने बिना मॉडिफाई किए हुए ZN फाइंड आउट किया ना, तो ZN भाई हम लोग का सेम आया जो इस तरीके से इसने निकाला था भाई, है ना, 3 × 8 कितना था भाई 3 और 5 था ना, डिवाइड 3+5 कितना आ गया 1 point something आया था भाई। तो ZN निकालिए, इसी सर्किट में बिना मॉडिफाई किए हुए हम लोग यहाँ पे IN भी निकाल लेते हैं। तो IN के लिए क्या करेंगे कि भाई हम लोग को इसको शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट कर दिया मैंने। अब क्योंकि इसमें दो दो सोर्स है, कि ये सोर्स है कि ये सोर्स है भाई, तो एक बार में एक एक लेके चलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं भाई, मान लेते हैं
ये वाला सोर्स लेके चल रहा हूँ, यानी मेरा वोल्टेज सोर्स चल रहा है तो, और ये तो मेरा शॉर्टेड ही रहेगा क्योंकि इसी के साथ मतलब इसी से जो करंट आएगा वही मेरा नॉर्टन्स करंट कहलाता है भाई, ठीक है ना। तो ये शॉर्टेड हो गया, आगे देखते हैं हम लोग का आगे। तो भाई मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ओम है, करंट सोर्स ओपन हो गया ना, करंट सोर्स दिखाने का मतलब नहीं भाई। ओके, तो मुझे यहाँ का करंट चाहिए, तो भाई बताइए, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट चलेगा ये सारा सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा ना, क्योंकि आगे इम्पिडेंस है, इधर आपका लो इम्पिडेंस पाथ है, कोई इम्पिडेंस नहीं, तो इसी सारा बाईपास हो, इसका मतलब ये ओपन रह जाएगा भाई, ये भी यहाँ पे कोई करंट ही नहीं आएगा, इधर कोई करंट नहीं आएगा भाई, आई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या इम्पिडेंस इनफिनिटी, इसका मतलब क्या इधर ओपन है, क्लियर हो गया। तो भाई ये सिर्फ मेरा नेटवर्क बनेगा, तो करंट निकालते आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज यानी 10 / 3, ये आ गया भाई मेरा करंट, सो I1 मान लेते हैं, यानी इस वोल्टेज सोर्स कारण इसमें जो करंट आ रहा है इतने के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकंड केस में, सेकंड केस में भाई इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, इसको लेके चलेंगे, तो ये तो मेरा शॉर्ट ही रहेगा हमेशा, इसको शॉर्ट कर दीजिए भाई, अभी शॉर्ट कर देते हैं ताकि हम लोग को फिर से डायग्राम ना बनाना पड़े। तो अब देखिए भाई, हम लोग को पता है, या फिर बना ही लेते हैं ना, फ्रेश तरीके से बनाते भाई, शॉर्ट हो गया, ये पहले से शॉर्ट था, ये 5 ओम है, और यहाँ पे भाई मेरा नॉर्टन्स यानी करंट है कितना 5 एम्पेयर का, ये मेरा सर्किट बन गया। तो आप खुद सोचिए भाई, यहाँ से जब ये 5 एम्पेयर करंट जाएगा क्या इधर मुड़ेगा क्या, नहीं भाई, क्योंकि उसको आगे में ऑलरेडी क्या है लो इम्पिडेंस पाथ मिला हुआ है, समझे, नहीं सारा का सारा 5 करंट क्या होगा ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे 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 आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इम्पिडेंस है, तो लो इम्पिडेंस यानी शॉर्टेड पाथ मिला हो तो सारा का सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा, समझते क्या, कि भाई इस बार हम लोग का ये भी इनफेक्टिव रह गया, यानी ये ओपन रह जाएगा भाई, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, ये ओपन रहेगा, ये भी आपका कोई करंट नहीं, इसमें भी ओपन है, तो सीधी सी बात है टोटल करंट क्या होगा 5 ही एम्पियर होगा, 5 एम्पियर एक तरीके से घूमते जाएगा क्योंकि 5 एम्पियर के लिए शॉर्टेड पाथ मिला हुआ है। तो I2 मान लेते भाई कितना आ गया 5 एम्पियर, और ये भी क्या है डाउनवर्ड है, वोल्टेज सोर्स कारण भी करंट डाउनवर्ड था, करंट सोर्स डाउनवर्ड, तो दोनों ऐड हो जाएगा भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्टन्स करंट की बात करें क्या हो जाएगा 10/3 + 5, एलसीएम ले लेते हैं 3 एलसीएम, 10 + 3 = 5 जा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/3, 3 8 = 24 एंड 8 point something आएगा। तो अगर आप यहाँ पे IN देखें आ गया ना 25/3, इसको जोड़ दिए ना भाई वही आएगा, ठीक है सॉल्व करेंगे यही आएगा, हम लोग का भी यही आएगा 8 point something। तो आप मॉडिफाई कीजिए या नहीं कीजिए भाई, अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे किया है भाई, इसको पहले क्या किया है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया है ना। तो अब सेकंड स्टेप में क्या किया भाई, इसको शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने है ना, शॉर्ट करने के बाद यहाँ से देखें मतलब ये ZTH के लिए यानी ZN के लिए दिखाया गया लेकिन IN के लिए ये है आपका। तो एक बार में इसको लेके चलेंगे, इस वाले सोर्स को लेके चले, एक बार इसको लेके चलेंगे, तो कोई भी मेथड यूज़ कीजिए हर तरीके से आपका सेम आंसर आएगा भाई। तो ये हम लोग का पूरा नॉर्टन्स थ्योरम कंप्लीट हो गया भाई। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे मिलिमेंस थ्योरम के ऊपर। ओके, मिलिमेंस थ्योरम क्या होता है भाई ये आपको समझ में आएगा।